फ्रेंड्स वेलकम बैक में मैं हूँ आपका अपना राज भाई राज आपके सामने हिमालयन 450 और ये है इसका पार्ट टू। पार्ट वन तो आपने देख ही लिया था जो पहले वीडियो से, बाकी आपको नीचे मिल जाएगी, पिन कर देंगे, इसने चेकआउट कर लेना कि लास्ट वीडियो में इसमें क्या क्या लगा था और अब के सिनेरियो में बताएंगे कि इसमें क्या क्या हमने लगाया है। पूरी ऑल अबाउट टोटली दिखाया था पहले कि इसमें क्या क्या लगा हुआ, फिर जो आपको कंपेयर करना है कि इसमें पहले क्या था और अब क्या है। देखो सबसे पहले इसके अंदर जो अभी हमने लगाया है वो लगाया है इसके अंदर इसे वाइजर एक्सटेंडर, जो कि आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके स्मोक कलर का है, ये इंस्टॉल कर दिया। एडजस्टिंग पता ही आपको, ये अप एंड डाउन दोनों तरीके से हो जाता है आपके, और वैसे ट्रांसपेरेंट मिल जाता है, बट ये स्मोक वाला जो इसका इंस्टॉल कर दिया गया है। इधर आपको मिलती है इसके अंदर हेडलाइट ग्रिल, जो कि जैसे जैसे आपकी हेडलाइट सेफ भी होती है लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है। ये आपकी स्पाइडर लुकिंग वाली आपको देखने मिल जाएगी इसकी हेडलाइट ग्रिल। इसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर मास्टर एंडर कैप, जो कि देख सकते हो ये भी आपकी लगा दी गई हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ ग्रे कलर की। और इसके बाद में लगा दी गई जीपीएस माउंट, देख सकते हो ये जीपीएस माउंट है, ये भी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। साथ में मोबाइल होल्डर जो मिलेगा आपको सिमटेक ओरिजिनल, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड कर दिया गया है। और साथ में मिलेंगे आपको हैंड गार्ड, जो कि देखने मिलेंगे आपको जो लास्ट टाइम लगाए थे ये वही बिग वाले हैं, जिससे आपका हैंड भी सेफ होगा और आपके लीवर भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ दोनों मिलेंगे आपको। इस तरफ भी सेम मिलेगा आपको, इस तरफ लुक चेक कर लो और सेफ्टी वैसे पूरी तरीके से लगने के बाद। साथ में इसमें लगाए गए हैं देख सकते हो ये मिरर रॉयल इनफील्ड के, जो कि ये भी लास्ट टाइम ही लगाए थे, लुक चेक कर लो इसकी लगने में कैसी आती है, इधर से भी सेम उधर से। और इसके अंदर जो व्यू है ना वो भी आपको पूरा नज़र आता है बैक साइड का, देख सकते हैं आप पूरा व्यू नज़र आने वाला है इसके अंदर। वैसे ये फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल तो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो इसके सिनेरियो में आपको ये लगा देंगे इसके अंदर। इधर मिलेगा बोबो का मोबाइल होल्डर, जो कि मिलता है आपको फुल्ली वाटर प्रूफ, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसके बाद दिखाऊंगा आपको इसके अंदर सबसे पहले मिलेगा इसमें क्रैश गार्ड, जो कि आप देख सकते हैं क्रैश गार्ड करता है पूरी बाइक को सेफ, आपका टैंक और आपके लेग्स ये तो प्रोटेक्ट होते ही होते हैं। साथ में ये लगा लो हैंडल वगैरह हो गया, वाइजर हो गया, हेडलाइट सब कुछ हो जाती है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है ना तो गिरने के बाद आपके स्लाइडर्स पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं आपकी बाइक को। और उसके साथ में लगा दी गई फॉग लैंप, ये लगाई थी लास्ट टाइम जो कि जैसे मर्सिडीज वाली विद हार्नेस। मैं पहले दिखाता हूँ इसकी रोशनी किस तरीके की रोशनी है इसकी, ये देखो ये इसकी आपको मिलेगी फॉग लैंप की रोशनी, ये आपकी है वाइट, ये येलो वाइट, और ये मिलेगी आपको येलो, ये आपके फॉग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इसके बाद में एक और पैटर्न है जो कि देख सकते हैं, ये है ब्लिंकर्स, ये आपका 4 to 5 पैटर्न मिल जाते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, ये 5 पैटर्न जो आपको देखने मिल जाएंगे इसके अंदर। और आप चाहो तो इसे नॉर्मल करने के लिए तो वही आपका सेम आप पुश करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, और जरूरी पैटर्न आपका येलो में होगा या वाइट में होगा, ये आपका सभी के अंदर आपके हैजार्ड पैटर्न ऑन होने वाला है। और इसे करते हैं बंद, अब दिखाऊंगा आप नीचे वाली जो नीचे लगाएं इसके अंदर 480 वाली, ये 60 वाट वाली है जो कि आप मिलेगी दोनों तरफ। और इसकी भी दिखाता हूँ रोशनी किस तरीके से आती है इसकी, ये देखिए इसके अंदर मिलेगी आपको रोशनी, ये आपकी ये येलो, ये होगी आपकी वाइट, येलो वाइट, तो ये आप देख सकते हैं जब आप रोड पर निकलोगे ना और जब भी राइड पर जाती है ऐसी बाइक, अगर जो समझ लो रोशनी ना हो तो मज़ा नहीं आता बाइक राइड करने में। तो इसके अंदर 4 लाइटें लगा दी गई हैं, जब रोड पर निकलेगा तो रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है लाइटों से। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर एक चीज़ और, जो कि मिलेगा आपको हैंडल राइजर, ये देखिए हिमालयन के ओरिजिनल हैंडल राइजर ये हमारे पास आ चुके हैं, आप देख सकते हो आप हैंडल राइजर जर्मन फिटिंग वाले हैं इसके, आपके कोई जुगाड़ नहीं है, हिमालयन 450 के ओरिजिनल फिटिंग के इसके अंदर आपको मिल जाएंगे देखने को हैंडल राइजर। इधर आपको देखने मिलेगा टॉप बॉक्स, जो कि ये लगा देगा, ये आपका 55 लीटर का टॉप बॉक्स जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे इंस्टॉल करने के बाद सामान वगैरह कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या रख भी सकते हो, ये देखिए तो स्पेस देख सकते हो आप इसके अंदर, आपको मिलेगा एक हेलमेट लगा रखा है, एक आपका गोगल रखा हुआ है, और साथ में ना आप देखोगे ना अंदर ये देखो क्या क्या छुपा रखा है उन्होंने, ये देखो ये उन्होंने छुपा रखा है इसका एग्जॉस्ट जो इसमें लगा हुआ था कैथलिंग इन्वर्टर, ये हटा के इसमें रख दिया गया है, तो समझ सकते हो कितना स्पेस है इसके अंदर। अब इसको दोबारा से इसके अंदर रख देते हैं और करते हैं इसको बंद, और अब दिखाता हूँ इसके बाद एक और चीज़, ये देखिए ये हो गया बंद, अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर लगा दिया, देख सकते हैं ये फुटरेस्ट जो कि बैक साइड में मिल जाए दोनों तरह, एक इधर एक मिलेगा आपको इस तरफ, जिससे प्लेन राइडर बैठने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा उनको। और दूसरी बात आपको दिखाता हूँ इसके अंदर टॉप बॉक्स के साथ ना इसमें लगा दी गई, देख सकते हो ये है इसकी बैक रेस्ट, ये इसकी बैक रेस्ट है जो लगा दी गई है इसके अंदर, काफ़ी सॉफ्ट है बैक रेस्ट जो कि इसमें लगा दी गई, प्लेन राइडर पूरी तरीके से सेफ। और इसके बाद अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखिए ये इसका बैंड पाइप है जो कि आपका टिकट बैंड पाइप लगा दिया गया इसके अंदर, ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट के अंदर डिकेट बैंड पर लगा दिए गए। मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड किस तरीके से आने वाली है लगने के बाद, ये देखिए ये आपका आइडल पर, थोड़ी थ्रोटल देता हूँ फिर दिखाता हूँ कैसी होती है।
और ये लगा लो कि इसे लगाने के बाद ना कोई चलान का इश्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इसके अंदर। जो भी इसके अंदर लगाया चाहे एग्जॉस्ट हो चाहे कुछ और हो फॉगलम वगैरह, सारे विदाउट चलान है जो इसके अंदर किया गया वर्क। और अब मिलाता हूँ मैं भैया से, पहले भी आपने देखा था पार्ट वन में, पार्ट टू में भी मिलाता हूँ भैया से कि भैया को अब क्या कैसा लगा, फाइनली अब जीत कर कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जीता वैसे तो बता दो, पता नहीं ना। फिर भाई काम का अच्छा लग रहा है, काम करवा के काम करा के राजू भाई की शॉप पे आके काम कराना एक जीत ही है। ओह माय गॉड, तो काम इज माय गुडनेस। हां वैसे ये हमेशा इंग्लिश में थोड़ी सी मैं बोल देता हूं। नहीं नहीं आज मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को पहले पिछली बार बहुत डांट पड़ी थी, बट अगेन काम बहुत अच्छा हुआ है। आई थिंक मेरा सेकंड टाइम विजिट है और आगे भी होता रहेगा, तो उसके हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि मतलब काम अच्छा होता तभी आते हैं वापस हम। एंड हां मतलब कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है, राजू भाई हमेशा ऑलवेज सो जॉली इन नेचर, आते हैं घूमते हैं खेलते हैं आपको, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट ओवर हियर, तो ठीक है मतलब अच्छा लगता है। कोई शॉप ऐसी नहीं है, मैंने आई थिंक मैंने करोल बाग में तो नहीं देखी है, मैं बहुत जगहों पे काम करा चुका हूँ, बट हाँ मतलब आज ज़्यादा काम था, मैं टाइम से आया और टाइम से आई थिंक काम हो भी गया है और अब मैं निकल रहा हूँ। आए कहाँ से थे? मैं गुड़गांव से आया था, दूसरी बार आया हूँ, एंड आई थिंक अब तो इसके बाद तो फैमिली वाला हिसाब हो गया, तो आते रहना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई आने के लिए। तो ये थे हमारे करण कपूर भैया जी जो कि गुड़गांव से आए थे, इसके अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन करा रखी थी पहले भी और सेकंड विजिट के अंदर और क्या क्या काम हुआ, जैसे 5-7 काम इसके अंदर आज एड ऑन हुए हैं इसके अंदर। तो आई होप इनको तो अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, और आपको भी कराना है ऐसे भी अपनी किसी बाइक की मॉडिफिकेशन, तो आप आ सकते हो आपके अपनी राज भाई की शॉप पर जो कि मिलता है दिल्ली करोल बाग नायवरन के अंदर। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बाकी आप चाहो तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, मेरा पर्सनल नंबर 7827217 फोन वाला बलबला, आप उस पर चाहो तो कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी क्वारीज हो तो आप वहाँ से ईजिली आप मंगा सकते हो, कुरियर भी आपका हो जाएगा कोई भी सामान, और आना चाहो तो आप पता ही आप आ भी सकते हो ईजिली। और जब भी राइड पर जाती है ऐसी बाइक तो इनमें हॉर्न ना हो तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। सॉरी क्या बोल रहे हो यार, हॉर्न शिट दिमाग हॉर्न पे आ गया तुम्हें देख के ऐसी आती है यार, तुम मैं देखा करो मुझे साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हो नीचे साइड स्टैंड जैकेट। अभी कहाँ गई? अभी साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगाया गया इसमें, बहुत अच्छा था इसलिए हटा दिया। ठीक है आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, भाई साहब मजा आ गया कसम से, ऐसे करा करो अच्छा लगता है। वैसे गोलू भाई रोज आना भी वीडियो में, फेमस करना तुम्हें, करते हैं ओपन और इसके अंदर दिखाते हैं खजाना क्या क्या भर रहा है भैया ने। देखिए सबसे पहले हेलमेट भाई, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है यार, क्या बॉक्स नहीं चाहिए तो इसे नहीं चाहिए, तो निशान आ जाएंगे यार, निशान आ जाएंगे, चश्मे की दुकान लग रही है हेलो मिस्टर गुड़गांव वाले भैया आएंगे, मैं वहीं हूँ, मैं डरा रहा हूँ इनको, आएंगे ये वहीं हूँ, इधर आ गया सर, उधर से आऊँगा, बिल्कुल आए सर। तो फाइनली आप जीत कर कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जीता वैसे तो बता दो, पता नहीं ना। फिर भाई काम का अच्छा लग रहा है आने के लिए। तो ये थे हमारे कपूर साहब, नाम मुझे पूरा पता नहीं इनका इन्होंने बताया भी नहीं, मैं क्या करूँ गाँव से पहली भैया मैं आँख में मत उसमें चला गया आँख में हाँ यार। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, गुड बाय।